देखिए कनाडा पर स्ट्राइक पार्ट टू की हम बात कर रहे हैं। भारत सरकार की तरफ से अब तक कौन से वो पांच बड़े एक्शन लिए गए हैं वो भी आप जान लीजिए। सबसे पहला एक्शन जो लिया गया, कनाडा की वीजा सर्विस पर रोक लगाई गई है, भारत सरकार की तरफ से ये बड़ा एक्शन लिया गया। इसके अलावा दूसरा एक्शन लिया गया, भारतीय छात्रों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है, जो छात्र कनाडा में रह रहे हैं उनके लिए भारत सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। तीसरा एक्शन लिया गया, एनआईए का वॉन्टेड आतंकियों पर इनाम का ऐलान किया गया है, यह एक्शन लिया गया। इसके अलावा चौथा एक्शन है, कनाडा के राजनयिक को देश से निकाला गया या भारत से, और पंजाबी सिंगर शुभ का भारत दौरा भी रद्द हुआ। तो भारत के अब तक के पांच बड़े एक्शन लिए गए हैं जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। भारत सरकार इस बार लगातार एक्शन ले रही है और लगातार यहां कार्रवाई की जा रही है। पांचवा एक्शन है, पंजाबी सिंगर शुभ का भारत दौरा रद्द, और ये बड़े एक्शन लिए गए हैं। प्रणय, ये जो पांच बड़े एक्शन भारत के तरफ से लिए गए हैं, सरकार की तरफ से लिए गए हैं, देखिए इसको लेकर आपने रॉबिन से भी बात की है, सीधा इसका असर जो है वो दोनों देशों पर पड़ेगा, लेकिन अगर हम वर्ल्ड फोरम पे बात करें और ग्लोबल मंच पे बात करें तो इस एक्शन को किस तरीके से देखा जाए? अमेरिका का स्टैंड भी कहीं ना कहीं देखिए भारत के पक्ष में था। इसके अलावा जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया का बयान सामने आया, ब्रिटेन का बयान सामने आया था, कनाडा अलग थलग पड़ता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल प्रिया, कनाडा भले ही अलग थलग फिलहाल नजर आ रहा हो, लेकिन जिस तरीके से रविंदर भी इस चीज को रेखांकित कर रहे हैं कि इस पूरे मामले के अंदर एक लॉबिस्ट के तौर पर फिलहाल जस्टिन ट्रूडो काम करते हुए नजर आ रहे हैं, और ये चिंता की बात है क्योंकि कई इंटरनेशनल फोरम्स हैं, कई इस तरीके के मंच हैं जिसके अंदर भारत कनाडा साथ में भी हैं, साथ ही G20 जैसे मंच की अगर बात की जाए, तो इसके लिहाज से अगर जस्टिन ट्रूडो इसे एक मिशन की तरह, इसे अगर एक कैंपेन की तरह चला रहे हैं, और यही वजह है कि भारत ने इसे बिल्कुल रेडलाइन की तरह क्लियर किया है कि भारत की इंटीग्रिटी, भारत की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, अखंडता के मामले के ऊपर किसी तरीके का समझौता नहीं किया जा सकता, पहली बात। दूसरी बात यह है कि भारत की ये चिंताएं लगातार थी और इसीलिए भारत के स्टूडेंट्स को एडवाइजरी इशू की गई है। खालिस्तानी तत्वों ने जिस तरीके से कनाडा की राजनीतिक स्थिति का लाभ उठाते हुए उसे एक बेस की तरह बनाया है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर, क्योंकि अगर आप ये देखिए कि अगर भारत इस चीज का समर्थन करने लग जाए, जैसे कि क्यूबेक के अंदर कनाडा के अंदर क्यूबेक का एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलता रहा, भारत ने कभी भी इस तरीके के आंदोलन को, कभी भी इस तरीके के प्रयास का समर्थन नहीं किया, लेकिन कनाडा को भी इस चीज का ध्यान रखना होगा कि भारत जिन चीजों को रेखांकित कर रहा है ये तमाम वो लोग हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो जब भारत में आए थे तो उन्होंने कनाडा की ही कोर्ट से कन्विक्टेड एक खालिस्तानी आतंकी को अपने यहां पार्टी में बुलाया था। तो ये सवाल केवल भारत की चिंता का नहीं है, कनाडा के अपने लॉ जिन लोगों को कन्विक्ट कर चुके हैं, अगर उन्हें खालिस्तानी गतिविधियों, भारत विरोधी गतिविधियों के लिए उनका केवल समर्थन लेने के लिए कनाडा के प्रधानमंत्री साथ लेते नजर आते हैं, तो कहीं ना कहीं कनाडा के पूरे सिस्टम के ऊपर सवाल उठा रहा है, और ये सवाल केवल भारत नहीं उठा रहा है। कनाडा की जमीन का इस्तेमाल, वहां उस देश का इस्तेमाल खालिस्तानी किस तरीके से कर रहे हैं, और बेस एक तरीके से वहां पर बन रहा है और वो बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है, और कहीं ना कहीं इस तरीके का बयान जो जस्टिन ट्रूडो की तरफ से दिया गया है उसको और समर्थन भी देता है, स्ट्रांग करता है। बहुत शुक्रिया प्रणय आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। Z News.